अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो जी, आज का टॉपिक है लेमोजीन कंपनी में ड्राइवर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कैसे करे। तो इसका जवाब ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि वो ड्राइवर वीज़ा लेके अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं। तो ड्राइवर वीज़े पे आप फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते दुबई के अंदर। आपको दो शर्तें पूरी करनी है। एक तो आपकी फैमिली यहाँ पर लेके आने के लिए आपके पास इजारी होनी चाहिए। इजारी का मतलब टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, आप उनको कहाँ रखेंगे। वो लाजमी 1 BHK होना चाहिए, और स्टूडियो नहीं चलेगा, 1 BHK अपार्टमेंट होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना है तो आपकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो और वीज़ा कैटेगरी अच्छी हो। तो ये पूरा करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे एजेंट आप लोगों को ये बात कहेंगे कि वो इस चीज़ के कुछ पैसे लेके आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए आपको कंपनी के पास फिर भी आना पड़ेगा। कंपनी को आके आपने लेमोजीन कंपनी को आपने आके ये बोलना है कि जी, आपका वीज़ा स्टेटस बदल के ड्राइवर से पहली 3 कैटेगरीज में से कोई वीज़ा लगा दें। फोर्थ स्केल लेबर होती है ड्राइवर, तो इससे ऊपर होता है सेल्स का पर्सन, उससे ऊपर होते हैं जी क्लैरिकल स्टाफ, उससे ऊपर होते हैं जी मैनेजर्स या ऑफिसर्स। तो इनमें से कोई वीज़ा आपको लेना चाहिए, और अगर आपकी ये कैटेगरी आ जाती है तो फिर आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। फैमिली स्पॉन्सर करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको कंपनी के पास आना है। कंपनी से आपने ये काम करवाने के लिए उसको जो भी वो पेमेंट बोलेंगे, हम लोग तो वैसे बेसिकली अलरबाद लेमोजीन इसकी कुछ चार्जेस लेती है जो कि वो आगे पे करती है। बहुत सारी कंपनीज आपको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देंगी और नहीं देंगी ये, क्योंकि उसमें काफ़ी है, उनको हेडेक है, उनको लेके जाना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है सबसे पहले, उसके अंदर जो सैलरी है वो बदलनी है। तो पहले आपने ड्राइवर का वीज़ा क्यों लिया था? वो इसलिए लिया था कि आपने ड्राइवर के वीज़े के बगैर RTA कार्ड आपको नहीं मिलेगा और आप लेमोजीन चला ही नहीं सकते। तो पहले आपको ड्राइवर वीज़ा ही लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए आपकी कंपनी ने वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बदलना है लेबर में, और उसके बाद आपको 5,000 सैलरी रखनी है। लेडीज़ के लिए 7,000, जेंट्स के लिए 5,000 सैलरी होनी चाहिए, तो वो फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको दोबारा तवजी में जाना है। तवजी में जाके आपको फिर ट्रेनिंग करनी है। 180 दिरहम्स की अब वो हो गई है, पहले 157 दिरहम की वो ट्रेनिंग थी। और उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के आपका एक स्टेटस जो है वो वीज़े का बदल जाएगा। वो ऑफिसर या जो आपकी कंपनी ने रखा होगा जब आपने जाके दोबारा चेंज किया है, तो वो आ चुका होगा। एक सैलरी ट्रांसफ़र हुई भी होगी अकाउंट के अंदर, तो वो आपको जाके आमिर सेंटर के अंदर या किसी भी दुबई इमिग्रेशन के अंदर जाके आपने अपनी फैमिली का वीज़ा स्पॉन्सर करना है। या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आपने एजेंट को जाके अपने वो सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं कि अब आप ड्राइवर नहीं रहे, अब आप अपग्रेड हो गए हैं। तो आपकी फैमिली के फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो आप जितने आपके बच्चे हैं और वाइफ के साथ आपका निकाहनामा मांगेगा, अटेस्टेड होगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स बैठते हैं, वो आपको निकाहनामा बना देंगे, अटेस्ट भी कर देंगे, बच्चों का वीज़ा भी लगा देंगे। आपसे कोई 2-3 हज़ार चार्ज करेंगे उसके एक्स्ट्रा, और वो चार्ज करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तब तक जब तक आपका 1 साल के बाद RTA कार्ड रिन्यूअल नहीं आ जाता, आप उसी वीज़े को एंजॉय करें। एंड देन जब आपका 1 साल के बाद RTA कार्ड बनना है दोबारा, मतलब रिन्यू होना है, तो फिर आपने वापस ड्राइवर का वीज़ा ले लेना है उसी कंपनी में, उसी तरीके से जैसे पहले आपने अपना अपग्रेड करवाया था, अब आपने डाउनग्रेड करवा लेना है। तो आपको वापस ड्राइवर होना है और फिर आपका RTA कार्ड बन जाएगा, फिर दोबारा रिन्यू 1 साल के लिए हो जाएगा। फिर आप दोबारा उसको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का वीज़ा आप पहले ही ले चुके हैं, तो वो 2 साल पूरे होंगे जब आपके, तब आपने दोबारा अपने वीज़े को अपग्रेड करना है और वो सारी हैक्टिक सिचुएशन से दोबारा गुजरना है, और जाके आपने अपनी कंपनी को जो वो बोलें वो पे कर दीजिए। मसलन वैसे इसकी कॉस्ट आनी चाहिए, जो असल में कॉस्ट आनी चाहिए वो 176 दिरहम्स आनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की, और उसके बाद तौजी की 180 दिरहम्स। और अगर वो आपसे PRO चार्जेस के एवज कोई पैसे डिमांड कर रहे हैं, या 500 या 1,000, तो वो भी आपको देने पड़ेंगे। और इस तरह से आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं दुबई के अंदर। किसी को मेरे कोई मतलब वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जवाब दूंगा। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।